सो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ। बैब जी की एक वीडियो जो मैंने कल बनाई थी उसमें बताया था कि रिजल्ट आएगा, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया जरूर रिजल्ट, लेकिन फाइनली जिसकी जरूरत थी वो आ गया है। राउंड वन का सीट अलॉटमेंट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, सामने ही आपको क्लिक होकर ये दिख जाएगा कि भैया ये रिजल्ट आ चुका है। अब आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, तो उसके लिए भाई हम फिर से एक बार वो शेड्यूल जो है वेब जी का उस पर जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, कल मैंने वैसे भी बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको वो चाहिए है तो ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है, आगे आपको अपग्रेड करना है नहीं करना है क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, ये 5000 रुपीज़ का अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके अलावा रिपोर्टिंग, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाके अगर आपको हाँ करना है तो, ना करना है तो, मतलब अपग्रेडेशन करना है या नहीं करना है, वो सारी प्रक्रिया होगी। आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी की सारी रिपोर्टिंग टाइम्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर। बाकी एक चीज़ अच्छे से मैं बता दूँ, जो भी घबरा रहे हैं, नए बच्चे हैं आप सभी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग में परेशानी होगी, पेरेंट्स भी परेशान होंगे, तो अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी मदद चाहिए वेब जी की काउंसलिंग को लेके, नीचे लिंक दी हुई है भैया, उस पर क्लिक करो, बेझिझक हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, सारी काउंसलिंग में आपकी मदद करेगी शुरू से लेके एंड तक। एक और चीज़ मैं आपको जो बता दूं, यहाँ जो नया अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि वेबसाइट पर ही आप देखेंगे आपके पास दो ऑप्शन है, आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए है तो कोई दिक्कत है नहीं, नो अपग्रेडेशन, और अगर नहीं चाहिए कुछ और अपग्रेडेशन पे जाना है तो यस अपग्रेडेशन। ये दो फॉर्म यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हुए हैं, ये आप देखें करंट इवेंट में ये आपको दिख जाएंगे, नो अपग्रेडेशन और यस अपग्रेडेशन। अब इनमें से अगर आप अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते हैं तो नो अपग्रेडेशन वाला फॉर्म आपको फिल करना है, और जैसे ही आप वो करेंगे क्लिक तो ये वाला आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इस फॉर्म को प्रिंट निकाल के इसको फिल करना है, और साथ में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो ये लगेगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आप जाएं, अगर आपको अपग्रेड करना है खुद को तो अपग्रेड वाला यस वाले पे क्लिक करना है, जैसे यस वाले पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, इसको फिलअप करके डॉक्यूमेंट आगे फर्दर प्रोसेस कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। बाकी जो नई अपडेट इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है कि अब क्या है भाई, चॉइस फिलिंग होनी है, क्या होनी है, अब चॉइस फिलिंग वाला पूरा सिस्टम होने वाला है। तो आपको अगर चॉइस फिलिंग में समस्या आ रही है, कहाँ किस कॉलेज को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, क्या करना है आपकी रैंक पे, उसके लिए सबसे अच्छा सरल और आसान उपाय क्या है, स्टूडेंट खबरी भाई हम हैं आपके लिए। तो जैसे ही स्टूडेंट खबरी गूगल पे सर्च करेंगे ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी वेबसाइट, ठीक है, इस पे आप जाओगे, इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रेडिक्टर का ऑप्शन है, आपकी रैंक पे चेक कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक सारी, नहीं तो चॉइस फिलिंग नीचे देख रहे होगे, उसके नीचे आपको चॉइस फिलिंग टूल मिल जाएगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये देखो भाई वेबजी 2024 इस पर जाना है आपको, ये ही आपकी नैया पार लगाने वाला है भैया, है ना। ऐसे ही आप पहुंचेंगे, इसको स्क्रोल डाउन करना है, स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको गो टू टूल पे क्लिक कर देना, जैसे गो टू टूल पर जाएंगे यहां आपकी रैंक डाल देना है, आपको जो भी आपकी रैंक है 1000, 2000, 5000, 50000 जो भी रैंक है भैया, है ना, 25000 हमने यहां पे फिल किया, ठीक है, ये डाल दी। इसके बाद एग्जाम सेलेक्ट कर लो वेब जी, आपकी जो कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, यहां फिलहाल हम ओपन पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और जनरेट चॉइस लिस्ट, जैसे ही आप ये जाएंगे AI बेस्ड यहां पे सारी की सारी आपको क्या है चॉइस फिलिंग मिल जाएगी, देख रहे हो ऑप्शंस आपको, जो जो ऑप्शन है, अब आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उस पर भैया टिक कर दो, ठीक है, जैसे ही आप टिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन यहां मिलने वाले, ठीक है, आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी कॉलेज आपको चाहिए भैया हमने उस पर क्लिक कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है, अलग अलग सारे जहां पे जाके जो भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाएंगे, ये टिक आपको कर देना है आपकी जो जो ऑप्शन है, ठीक है भाई। ये हमने अभी तो हम यहाँ एज अ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या कैसे ऑप्शन है, और जैसे ही है यहाँ पे 20 कॉलेजेस हमने सिलेक्ट करे, अब 20 सिलेक्ट करे तो यहाँ देखो आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट, ये आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे बता देगा, क्या बता देगा, तीन ऑप्शन मतलब तीन कलर में कोड किया हुआ ऑप्शन आएंगे, ये आप देख लो भाई, ये जो कलर आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे लगता है पिंक सा कलर है आपके ऊपर, आपको क्या दिख रहा है वो देख लेना, ठीक है, तो पिंक जो दिख रहा है वो आपको कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि उनकी क्लोजिंग रैंक जो है वो आपकी रैंक से कम है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको
येलोइश सा कलर दिख रहा है मेरे को, तो आपको देख लेना वो है, वो हो सकता है आपकी रैंक पे मिले ना मिले, मिले ना मिले। दूसरा है ग्रीन, तो ग्रीन वाला ऑप्शन आपके पास है जो आ रहा है तो आपको वो कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन मुझे लगता है आपको अवेलेबल नहीं होने वाले, ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं जो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रेडिक्टर से यहीं ये जो टूल है इसमें आप इनको ऊपर नीचे स्क्रोल डाउन कर सकते हैं कि यार ये मेरे को और ऊपर प्रेफरेंस पर रखना है, नीचे प्रेफरेंस पर। तो एक पूरा आपका जो मान के चलिए कि आगे की जो समस्या आप सभी को लग रही है वो यहाँ उसका समाधान आपको मिल जा रहा है। तो भैया देर नहीं करना है, जल्दी से आपको क्लिक करना है और आपको जो भी चाहिए जानकारी, जो भी प्रकार का हमारे साथ आपको मतलब लग रहा है कि यार हम सपोर्ट कर दें तो हम सारी की सारी मदद कर देंगे। बाकी ऑनलाइन आप इस टूल को भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक क्या करना है, दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनको भी ये चीज़ पता चल जाए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.